आज का टॉपिक शुरू करें कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट में क्या है? सिक्योरिटीज है कैपिटल मार्केट में। आपका सेबी के बारे में बता देंगे आपको। सेबी के अलावा शेयर क्या होता है, शेयर कैसे इश्यू होता है, पब्लिक इशू क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, ठीक है, और एक्टीओ क्या होता है, राइट इशू क्या होता है, प्रेफरेंशियल इशू क्या होते हैं, ये सारी चीज़ आपकी क्लास में क्लियर करेंगे, ठीक है। करीबन एक घंटा में हम सब लोग कर लेंगे। अब हमें बुक को छोड़ देना, बुक आप पढ़ेंगे जब ये लेक्चर पूरा होगा, ठीक है। और ये केवल जेआईबी में नहीं, आप जब तक बैंक में रहेंगे या इन पर्सन अगर आप शेयर मार्केट को समझना चाहते हैं तो उसके भी बेसिक्स इसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। कुछ चीज यहाँ बोर्ड बताने के बाद कुछ चीज हम वेबसाइट से रेफर करेंगे जो बिल्कुल करंट होती है, जिससे सबको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो कैपिटल मार्केट जब हम लोगों ने पहली हमने क्लास पढ़ी थी तो हमने तीन कैटेगरी में अपने इंटरमीडिएट को डिवाइड किया था। एक तो होता है आरबीआई, सेकेंड कौन है, सेबी, थर्ड कौन है, आईआरडी और पीएफआरडी, ऐसे किया था ना। तो आज हम बीच वाले सेबी को पकड़, ठीक। तो इंडिया में कैपिटल मार्केट रेगुलेटर कौन है? सेबी है। और कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब क्या है? पूंजी होता है, ठीक है। तो पूंजी और एसेट में क्या फर्क है? पूंजी या कैपिटल और एसेट में क्या? एसेट्स बैंक के लिए क्या है? लोन से एडवांसेस है। एक आम आदमी के लिए या एक बिजनेसमैन के लिए कैपिटल और एसेट में क्या फर्क है? कैपिटल तो हो गया सर, जो मनी होगा उसमें, एसेट में मनी इनको इन्वॉल्व नहीं हो सकता। नहीं, उसमें और चीज हो सकती है। इन्होंने बोला लिक्विड, हाँ लिक्विड फॉर्म में। अच्छा ये बताओ, ये एसेट है या कैपिटल? एसेट, एसेट है। अच्छा ये क्या है? एसेट, एसेट है। ये क्या है? एसेट। तो कैपिटल क्या है? ये इंस्टीट्यूट है, इसमें कैपिटल है। जो कैपिटल जो आपने फर्स्ट में, हाँ जो फर्स्ट में आपने लगाया था ना, फर्स्ट में इन्होंने बोला जो हमने फर्स्ट में लगाया था, मींस जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो अगर मैं कहूं ये मैंने शुरू में ही खरीदा था तो बोलिए, जब मैंने इंस्टीट्यूट इन्होंने बोला शुरू किया था उस समय जो पैसा लगाया था वो कैपिटल है। अगर मैं उस पैसे को एक बक्से में बंद करके रख दूं है कैपिटल, मैं भी एग्री कर रहा हूं कैपिटल है, लेकिन वो बक्से में रखा हुआ पैसा क्या मेरे बिजनेस को चला पाएगा? नहीं, नहीं चला पाएगा। मनी इन सर्कुलेशन नहीं है, तब वो एसेट हो जाएगा। तो इसका बहुत सिंपल सा डेफिनेशन, जो भी हम इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पज ऑफ स्टार्टिंग एनी बिजनेस, एक्सपेंडिंग एनी बिजनेस और रनिंग एनी बिजनेस यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक आइटम, एयर और एनी आइटम, तो दीज आर कैपिटल नॉट एसेट्स। क्योंकि ये किस लिए यूज हो रहा है? बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। ठीक, एक घर में हम लोग कपड़े खरीद के लाते हैं, वो कैपिटल है एसेट्स? जो घर पे हम कपड़े खरीद के लाते हैं ना, वो कैपिटल है एसेट्स? नहीं, ले आए खरीद के, वो ले आए खरीद के, अब तो घर में अलमारी में रखा हुआ है, एसेट है। क्योंकि वो बिजनेस के लिए यूज नहीं हो रहा। घर में हम राशन पानी लेके आते हैं वो एसेट है, कैपिटल नहीं है। लेकिन अब किसी ने होटल शुरू किया, 5 लाख रुपए लगाए होटल शुरू किया,
एक लाख रुपए का वो शुरू में ही गेहूं चीनी दाल ले आया तो क्या है? कैपिटल। ठीक है, फिर आगे की फॉर्म में अब उसके बाद जब उसने अपना फाइनल वो निकाला बैलेंस शीट बनाया तो उसी कैपिटल मनी से एसेट क्रिएट हुआ। आज वो देख रहा है कि अगर मैं आज बिजनेस को बंद करता हूं तो मुझे कितना देना है और कितना लेना है। तब वो कहेगा ना, पांच बोरी गेहूं पड़ा हुआ है 5,000 का, तो वो भी जिन्होंने खाना खाया उनके पैसे आने, वो भी एसेट है जिन्होंने पैसे देने हैं हमें। जहां से हमने सामान लिया अगर उसको उधार ले रहा तो लायबिलिटी है। तो फर्क क्या है? कैपिटल और एसेट में फर्क है। कैपिटल वो मनी है या वो आइटम्स हैं जिससे हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ, एक्सपेंड हुआ, इनिशियल मनी। हाँ, मनी जब वो आ गई हमारी फर्म में कैपिटल के फॉर्म में, उसका हमने कुछ जो खरीदा वो फिर एसेट बन गया। ठीक है, तो सारी कहानी कहां आ रही है? बिजनेस शुरू करना है तो पैसा, बिजनेस शुरू करना है तो पैसा आ गया। तो बिजनेस शुरू करने से पहले बिजनेस कौन कौन से होते हैं, यानी बिजनेस की टेक्निकल नेम्स क्या क्या होते हैं, वो सबसे पहले आते हैं। मान लिया आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आप आज बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले क्या करें? आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो कोई आइडिया होना चाहिए। आइडिया, ठीक है, कि क्या बिजनेस करेंगे। फिर उसकी भी प्लानिंग, प्लानिंग हो गई, ठीक हो गया, प्लानिंग भी करी, ऐसे से करेंगे, फिर देन लोकेशन भी डिसाइड हो गई, यहाँ करेंगे, देन क्या करेंगे, कैपिटल, यानी कि काम करेंगे तो उसका शुरू में पैसा कितना लगेगा, यानी कैपिटल। यहां यानी कि इंग्रेडिएंट क्या हो गया, कैपिटल। क्या सारे जितने भी बिजनेस होते हैं वो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं? सारे बिजनेस क्या कैपिटल इंटेंसिव होते हैं? तो उसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, मैं एक बहुत अच्छा सिंगर हूं और मैं ये सिंगर का बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या कैपिटल इंटेंसिव है? आपको रिकॉर्डिंग सी होगी इसमें? नहीं, कुछ नहीं, एक फोन तो चाहिए रिकॉर्ड, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप इंटेलेक्ट हैं और आपका अच्छा वॉइस है, अच्छा गाना गाते हैं, कुछ नहीं है, आपको लोग बुलाएंगे, हो सकता है गाड़ी भी भेजेंगे। नहीं सर, तो वहां तक पहुंचने के लिए भी तो नहीं, अगर आप आपके पास लोगों को पता लग गया आज, मैं चलो शुरू में आपने स्ट्रगल किया वो और कुछ हुआ, प्रैक्टिस करी, खूब पैसा लगाया वगैरह, आज आप एक अच्छा सिंगर बन गया, घर में बैठे, आपको घर भी नहीं है, कहीं सड़क में खड़े हो गए, वो गाड़ी भी भेजेगा आपको, रखेगा भी, सब कुछ कर रहा है ना वो, तो उस कुछ तो इसको बोलते हैं इंटेलेक्ट कैपिटल। वो उसके लिए कैपिटल है जो लेके जा रहा है। हाँ, वो अपनी कैपिटल से उसको लेके जा रहा, क्योंकि वो उसका बिजनेस है, वो आपको यूज करके आपकी सर्विसेज लेके वो करेगा। तो जो सर्विस इंडस्ट्री वाले जो बिजनेस है वो लेस कैपिटल इंटेंसिव इन टर्म्स ऑफ मनी। ज्योतिष विद्या आती है मेरे को, कहीं पे फुटपाथ भी बैठ जाओ क्लॉथी मार के, और पता होना चाहिए सही बताता, कुछ भी गलत नहीं। ठीक है, प्लेयर्स होते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कैपिटल इन टर्म्स ऑफ मनी रिक्वायर्ड होती हैं, कुछ ना। इतने बात हो गई, हमें क्या चाहिए बिजनेस के लिए, सब पता लग गया। अब आपने डिसाइड कर लिया कि आप एक होटल खोलने वाले, बल्ली वाला चौक पे खोलने वाले, ये भी डिसाइड हो गया। अपनी बिजनेस को किस स्टाइल में चलाएंगे, तो एक वर्ड आया स्टाइल ऑफ बिजनेस, क्या बोला हमने, स्टाइल। स्टाइल का मतलब हेयर स्टाइल वगैरह वगैरह नहीं, किस लेवल पे नहीं, तो आप किस तरीके से, किस तरीके से चलाएंगे बिजनेस। तो होटल का बिजनेस दो तरीके से चल सकता है, एक तो टिफिन सर्विस भी चल सकता है होम से, और एक आपको कुछ खोलना पड़ सकता है। ठीक है, लोकेशन वगैरह सब डिसाइड कर ली। अब आपने एक दुकान किराए पे फाइनल कर ली कि मैं यहाँ पे होटल चलाऊंगा, अब क्या करेंगे आप? बिल्कुल एक एक स्टेप बताइए, तभी हमारा पूरा टॉपिक क्लियर होता है। आपको सब कुछ डिसाइड कर लिया, होटल चलाना है, पैसे भी मिल गए आपको,
सामान भी खरीद लिया, ठीक है, वर्कर भी बुला लिए, और बोलिए अब एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट होगा, एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखोगे? बेस्ट फूड कहाँ पर? एड वैल्यू वाला नहीं, मान लिया आप बल्ली वाला पे ही कर रहे हैं, होटल का नाम। हाँ, नेम, नेम को हम बोल रहे स्टाइल। अब नेम आपने देखा कि साउथ इंडियन रेस्टोरेंट लिख लिया, पंजाबी ढाबा। अब कोई खाना खाने आया, खाना खाने के बाद आपने उसमें बिल दिया, कैश मेमो दिया, तो कैश मेमो छापोगे? यानी स्टाइल से मतलब है नेम एंड लीगल स्ट्रक्चर ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। मान लिया मैंने यहां पे लिख दिया पंजाबी ढाबा, और आप एक क्या है, एक वहां पे ओनर है पंजाबी ढाबा, आप उसके ओनर हैं, तो ये ओनरशिप इस वक्त किस तरह की ओनरशिप है? भाई बिजनेस करेंगे, आप अकेले ओनर हैं, कैसी ओनरशिप है? तो देयर आर टू टाइप ऑफ ओनरशिप, वन इज प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड इज पार्टनरशिप। तो देयर आर ऑलवेज टू टाइप ऑफ बिजनेस, एज ए प्रोप्राइटरी बिजनेस को हम सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। आपने देखा होगा हिंदी में बोर्ड में प्रो लिखा होगा, सिर्फ प्रोप्राइटर, और प्रोप्राइटर को हम लोग सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं, यानी एकल, अकेला होल सोल मालिक होगा, तो सोल प्रोप्राइटर हो गया, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर, तो यहां पे स्टाइल में जब तो हमारे बिजनेस जो है, बिजनेस होंगे या तो क्या होगा, प्रोप्राइटर होगा या पार्टनर होगा, पार्टनरशिप। अच्छा, ये दोनों चीजें बिजनेस के नाम से एज ए फर्म, क्या बोलते हैं, बिजनेस फर्म। स्कूल में कभी फर्म लिखा होता है? स्कूल में स्कूल ही लिखा होता है, ये क्या, बिजनेस फर्म। नाम उसका पंजाबी ढाबा है, लेकिन वो एक क्या है, फर्म, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पे और राइट होता है, प्रोप्राइटरशिप फर्म एक इंडिविजुअल आदमी के द्वारा चलाई गई एक बिजनेस एंटिटी है, जिसको कागजी भाषा में हम लोग प्रोप्राइटरशिप फर्म बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोप्राइटरशिप फर्म कहां रजिस्टर्ड होती है? ये जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ये कहां रजिस्टर्ड होती है? कभी देखा, कभी करंट अकाउंट खोला है प्रोप्राइटरशिप फर्म का? कब खोला? खोला रिसेंट? क्या कागज मांगे आपने से? नहीं, इन्होंने बोला जीएसटी नंबर होता है, और बोली और रजिस्ट्रेशन में ना उसके डॉक्यूमेंट, जैसे आपके पार्टनरशिप टाइप की होगी। नहीं देखो, अब यहाँ पे हम क्लास पढ़ रहे, हम यहाँ गली मोहल्ले में बात नहीं कर रहे, हमने यहाँ दो कैटेगराइज कर दिए। आपने बोला उसका पार्टनरशिप फॉर्म होता है ना, अभी हम बात किससे कर रहे हैं, प्रोप्राइटर की बात कर रहे हैं। प्रोप्राइटर के पास कागज एक होता है, जीएसटी का कागज बता दिया, जो पहले वैट सेल टैक्स नाम से, डिफरेंट सर्विस टैक्स नाम से जाना जाता था, अब तो एक ही हो गया, ठीक है। क्या ये कंपल्सन है क्या, एवरी प्रोप्राइटर से?